काशी विश्वनाथ की नगरी में साल 2021 के अंतिम दिन घाटों पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिली। 2022 नववर्ष मनाने के लिए लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता सचिन पांडे ने। आज 31 दिसंबर साल का अंत का दिन है और मैं यहां पे नाव में हूं और आज मैं पता पूछूंगा कि 31 दिसंबर का लास्ट 2021 कैसा बीता लोगों से। और अभी देखिए मैं आपको घाट दिखा दूं, पीछे पूरी लाइटिंग हुई हुई है घाट पे और इस नाव पे लोग देखने जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट और आरती यहाँ पे। उसके बाद मैं आप पूछूंगा यहाँ के लोगों से कि 2021 कैसा बीता और 2022 की क्या तैयारियाँ हैं। कहाँ से आए हैं आप? धनबाद से। 2021 कैसा बीता आपका? बहुत ही अच्छा बीता है। आशा करता हूँ कि 2022 भी आने वाला जो साल आने वाला है वो भी अच्छा बीते हम लोग के लिए। 2022 की क्या तैयारियाँ? आज 2021 का लास्ट दिन है 31 दिसंबर और आप वहाँ से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। बस बाबा के चरणों में आए हैं ये करने के लिए, थोड़ा तो पूजा पाठ हो जाए। साल का नया दिन है आज तो सोच रहे हैं कि कुछ धार्मिक स्थलों में इसीलिए घूमने आया हूँ। बहुत अंतर दिखाई दिया उस टाइम जब मैं सितंबर में आया था तो उस टाइम वॉकिंग टाइम था, लेकिन अब जो है कुछ कॉरिडोर बन चुका है जो देखने में बहुत ही शानदार है। साफ सफाई भी पूरे ऊपर ध्यान दिया गया है। पहली बार है कि पहले भी आ चुके हैं बनारस? ये इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग हियर एंड फुल डॉग, मतलब यहाँ का जो आरती है ये हम लोग हिंदू के लिए बहुत ही फेमस है। ये देखने के लिए हम लोग वहाँ से यूनिवर्सिटी से आए हैं। काशी विश्वनाथ बहुत भव्य मंदिर है और वहाँ जाके अच्छा लगेगा, दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक है। बनारस में लोग 31 दिसंबर मनाने आए हुए हैं और देश विदेश से लोग आए हुए हैं बनारस। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को देखने के लिए लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जैसा बताया कि कल स्नान करने के बाद हम दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां पे पूजा अर्चन करेंगे और घाट का दर्शन करेंगे। मैं वाराणसी से सचिन कुमार पांडे, नेटवर्क 10, 80 घाट।